फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं फेस पैक आपको बताने जा रही हूँ, इसे लगाने से आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, धूप की वजह से आपके चेहरे पे टेनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अपने रंग को निखारना चाहते हैं, अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं तो इस फेस पैक को जरूर ट्राई करें। इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। आपकी स्किन का जो कलर है थोड़ा सा डल हो चुका है वो फेयर दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, इसे ट्राई कीजिएगा। और इसे लगाने से आपको खुद को पता चलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस फेस पैक को बनाना कैसे है, लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है रूप सौंदर्य ब्लॉग्स, आप उस चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें, उसे भी देखें। तो फ्रेंड्स, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा चम्मच बेसन ले रही हूँ। बेसन जो है हमारी दाग धब्बों को दूर करता है, झाइयों को दूर करता है, हमारे रंग को फेयर बनाता है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेनिंग की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच बेसन लिया है। तो फ्रेंड्स, बेसन हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और आज मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच बेसन लिया है। उसके बाद दूसरी चीज जो लेनी है वो है चीनी पाउडर। तो आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे चीनी पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, चीनी को बारीक पाउडर बना लीजिए। ये हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, दाग धब्बों को दूर करती है, हमारे रंग को फेयर बनाती है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चीनी पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा चम्मच ही कॉफी पाउडर। फ्रेंड्स, कॉफी पाउडर जो है हमारे कलर को फेयर बनाता है, दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम है झाइयों की उन्हें भी ठीक करता है, साथ में हमारे स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ही कॉफी पाउडर लिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आधा चम्मच बेसन लेना है, आधा चम्मच चीनी पाउडर लेना है और आधा चम्मच ही कॉफी पाउडर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद लेना है टमाटर का रस। तो मैं यहाँ पे आधा कटा हुआ टमाटर ले रही हूँ और उसी का रस इसमें ले लेना है। एक चम्मच के करीब आपको टमाटर का रस लेना है। तो फ्रेंड्स, एक चम्मच मैंने यहाँ पे टमाटर का रस लिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है दो चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, अपने कलर को फेयर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छे से इन सबको, फ्रेंड्स ये जो आपको पतला लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। और ये पैक थोड़ा पतला हो गया था तो इस फेस पैक को मैंने गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा बेसन और लिया है। अच्छे से मिक्स करना है, ना पतला बनाना है ना ही गाढ़ा बनाना है। अच्छे से मिक्स करके इस फेस पैक को तैयार कर लेना है। मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, आधा चम्मच और बेसन डाला था। और अच्छे से ये देखिए बनके रेडी भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, ना मैंने पतला बनाया है ना ही इसको मैंने गाढ़ा बनाया है। इससे आपके चेहरे पे एक इतना अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन ना बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके कलर को फेयर बनाना चाहिए, स्किन पे निखार लाना चाहते हैं तो आप इस फेस पैक को जरूर यूज करें। तो फ्रेंड्स, ये फेस पैक जो है बनके रेडी हो चुका है। इसे लगाने से आपके चेहरे की जो झुर्रियां हैं वो भी ठीक होगी, साथ में अपने रंग को फेयर बनाना चाहते हैं, अपने कलर को थोड़ा सा डल है उसे थोड़ा सा फेयर दिखाना चाहते हैं, चेहरे पे धूप की वजह से टेनिंग है उसे दूर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस फेस पैक को जरूर लगाएं। दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके चेहरे पे झाइयां हो वो भी ठीक होगी, तो इस फेस पैक को अपने चेहरे पे जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए फटाफट से इसे पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पूरे चेहरे पे इसे लगा लिया है।
इसे लगा करके आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ग्लो कितना अच्छा आया है, मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है मेरी स्किन। और आपके चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, आपकी स्किन पे ग्लो देखना चाहते हैं, एक अच्छा निखार चाहिए, तो इस रेमेडी को यूज़ करें। इसे लगाने से आपके खुद को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन पे खुद को पता चलेगा कि कितना अच्छा फ़र्क नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करें, हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।